आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। पाव भाजी बनाना बिल्कुल ही आसान है, तो चलिए पाव भाजी बनाते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ लिया हैं जिसे मैंने धोकर इसे काट लिया है। अब एक कुकर लेंगे और इसमें मटर, फूलगोभी, आलू और गाजर को डाल देंगे। इसके बाद इसमें कुछ पानी डालेंगे और एक सीटी आने तक इसे बॉईल कर लेंगे। एक सीटी लगने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। जब एक सीटी हो जाए तो इसे छोड़ दीजिएगा और इसे इसके भाप से ही पकने दीजिएगा। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का भून लेना है। इसके बाद इसमें हाफ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है, अब इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे और शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैं इसमें हाफ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये मिर्च तीखा नहीं होता, ये बस मैं कलर के लिए डाल रही हूँ जिससे पाव भाजी का कलर अच्छा दिखेगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला और नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। इन मसालों को डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला भुन चुका है तो अब मैं इसमें बॉईल किया हुआ सब्जी को डाल दूंगी और इसे कुछ देर बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं इसे पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। इसे बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है। अब मैं इसमें हाफ नींबू डाल रही हूँ जिससे पाव भाजी में हल्का खट्टापन आ जाए। इसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ और कुछ फ्रेश धनिया पत्ते डाल रही हूँ। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिएगा और 1 से 2 मिनट पकने दीजिएगा। सबसे लास्ट में इसमें 1 चम्मच बटर डाल दीजिएगा और बटर को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इस तरह से हमारा भाजी बनकर रेडी है। तो चलिए अब पाव को सेक लेते हैं। अब मैं यहाँ एक पैन ली हूँ और इसमें 1 चम्मच बटर डाल रही हूँ। बटर हल्का मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें फ्रेश धनिया पत्ता डाल रही हूँ। इसके बाद मैं पाव को रख कर इसे अच्छी तरह से टोस्ट कर लूँगी। पाव एक साइड से सिक चुका है तो मैं इसे पलट कर दूसरे साइड भी सेक ले रही हूँ। इस तरह से हमारा पाव भाजी बनकर रेडी है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। थैंक यू।